हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम है सुनीता और मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुनीताज लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इस साल 2019 में सावन मास कब से शुरू है और सावन सोमवार व्रत की क्या तारीख है और सावन मास कब समाप्त होगा। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सावन को वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन होते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सावन सोमवार व्रत की तारीख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बुधवार 17 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहे हैं और 17 जुलाई को श्रावण मास का पहला दिन है। 22 जुलाई सोमवार को सावन का पहला सोमवार व्रत है। 29 जुलाई को दूसरा सावन सोमवार व्रत है। 5 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार व्रत है। 12 अगस्त को चौथा सावन सोमवार व्रत है और सोमवार 15 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम दिन है। और आप देख सकते हो, अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन सोमवार व्रत की तारीख पश्चिम और दक्षिण भारत के लिए। शुक्रवार 2 अगस्त को श्रावण मास का पहला दिन है। सोमवार 5 अगस्त को सावन का पहला सोमवार व्रत है। 12 अगस्त को दूसरा सावन सोमवार व्रत है। 19 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार व्रत है। 26 अगस्त को चौथा सावन सोमवार व्रत है और शुक्रवार 30 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम दिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सावन मास कब से शुरू है और सावन सोमवार व्रत की तिथि के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। जय माता दी।